नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सबके लिए घर नीति के तहत शहर के आसपास की बस्तियों के अतिक्रमण को नियमित करने की योजना है, बशर्ते वे नियमों का पालन करें। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने सभी विभागों को समन्वय के साथ सरकार के नियमानुसार यह कार्य तय समयावधि में करने के निर्देश दिए। कोविड-19 की दूसरी लहर नियंत्रण में है, लेकिन रोगियों की संख्या में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। रविवार को जहां शहर में 6 संक्रमित रोगी मिले थे, सोमवार को 19 नए रोगी जुड़ गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रविवार और सोमवार को 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। ओबीसी जन मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे ने कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण का वे समर्थन करते हैं, लेकिन मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग से आरक्षण नहीं मिलने देंगे। सोमवार को पत्रकार वार्ता में शेंडगे बोल रहे थे। चंद्रपुर में जनरेटर से गैस लीक होने से ही एक परिवार के 6 सदस्य की मौत की घटना सामने आई। यह घटना चंद्रपुर के दुर्गापुर इलाके की है, जहां एसी चलाने के लिए लगे जनरेटर से बिजली नहीं होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के रिसाव में दम घुटने से एक ही परिवार के 6 सदस्य की मौत हो गई। बच्चों में न्यूमोकोकल रोग और इसके परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए नागपुर शहर में बच्चों का न्यूमोकोकल कंजुगेट टीकाकरण मंगलवार से शुरू हुआ। फुटाला नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है। इस अभियान की खास बात यह है कि नगर निगम द्वारा बच्चों को यह टीका निःशुल्क दिया जाएगा। नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मनपा ने बड़े जोरों शोर से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी, जो अब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। वैक्सीन की कमी की वजह से हफ्ते में 4-4 दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़ रहे हैं। इसी के विरोध में जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने लॉलीपॉप बांटकर प्रदर्शन किया। के नागरिक इन दिनों परिसर में फैले कचरे और उससे फैले बदबू से परेशान है। परिसर में हर जगह कचरे का अंबर होने से परिसर के नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते शिवसेना की ओर से हनुमान नगर जोन के सह आयुक्त सुषमा मांडगे को ज्ञापन देकर परिसर में स्वच्छता की जाए, ऐसी मांग की गयी। सदर पुलिस थाना में शादी का लालच देकर 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की जानकारी मिली है। बता दें कि युवती मोमिनपुरा डोबी एरिया निवासी परवेज फिरोज खान से ताजिया के दौरान पहली बार 2017 में मुलाकात हुई थी। सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।